भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं डॉक्टर रितु करिधाल श्रीवास्तव, जिन्हें दुनिया रॉकेट वुमेन के नाम से जानती है। चंद्रयान 2 जैसे भारत के और भी अंतरिक्ष मिशनों में अपनी अहम भूमिका निभा चुकी डॉक्टर रितु करिधाल की ख्याति इन दिनों अपने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर विश्वव्यापी हो चुकी है। चंद्रयान 3 की कमान डॉक्टर रितु करिधाल के हाथों में है, क्योंकि वही है इस मिशन की डायरेक्टर। रितु करिधाल आरंभ से ही मेधावी रही है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और देश को ऐसा गौरवशाली क्षण देने के काबिल स्वयं को बनाने के लिए रॉकेट वुमेन को जितने अध्ययन और एकाग्रता की जरूरत पड़ी होगी, वो समझने जैसी बात है। विश्व भर की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली और महिला सशक्तिकरण को बल देने वाली इस खबर से देश भर में एक धनात्मकता बिखर गई है। नारी शक्ति और सक्षमता की इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है कि चंद्रयान के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी एक महिला साइंटिस्ट के हाथ में है। इससे पहले भी रितु करिधाल मंगलयान मिशन की डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। इस बार देश के इस अहम मिशन की जिम्मेदारी मिलने के बाद महिलाओं के बीच भी डॉक्टर रितु की खूब चर्चा चल रही है। लखनऊ में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली रितु को छात्र जीवन से ही अंतरिक्ष के विषय में काफी जिज्ञासा और रुचि रही। उन्होंने इसी क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशना शुरू किया। लखनऊ से ही उन्होंने फिजिक्स में MSc की। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट से अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल किया। रितु की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें इसरो में नौकरी मिल गई। काफी कम उम्र में ही रितु की काबिलियत और उपलब्धियों ने उन्हें एक बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। सन 2007 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजी जाने वाली रितु करिधाल ने इसके बाद देश के तमाम बड़े अंतरिक्ष मिशनों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसी दौरान उन्हें भारत की रॉकेट वुमेन कहा जाने लगा। फिलहाल मंगल चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरे विश्व की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत पिछले लंबे समय से चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कोशिश कर रहा है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। अब सभी की उम्मीदें इस मिशन पर टिकी हुई हैं। यदि इस बार इस मिशन में सफलता मिलती है तो भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। 14 जुलाई 2023 को भारत के ही श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर धरती से चांद तक के अपने सफर का आगाज करने वाला चंद्रयान 3 मुमकिन है 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग कर जाए, और यही पूरे देशवासियों की दुआ भी है और कामना भी।